बहुत ज़्यादा, उससे बहुत सभी लोगों को बहुत परेशानी है, बीमारी फैलने का खतरा है। विधायक साहब कभी बोला उन्होंने अथॉरिटी इन्फॉर्म की है, परंतु अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कभी कभी क्या होता है, गांव में देखा जाता है कि एक पक्ष जो है विकास की तरफ जाता है, नहीं तो दूसरा पक्ष हो जाता है, कह देता है कि नहीं कुछ ऐसा कोई राजनीति। हमारे गांव में कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, कोई रोकने को कोई खड़ा नहीं होगा अगर अथॉरिटी काम करे। राजी, मैं आज आपके गांव में पाली में आया हुआ हूं। ये जो बना हुआ है अधूरा भवन का निर्माण हो रहा है, ये किस चीज़ का बरात घर है या विकास का, किस तरह से मुझे बताएंगे? सुनिए, पंचायत घर है। अच्छा जी, ग्राम प्रधान पाली जी, करीब इसकी काफ़ी शिकायत करनी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, और अब यह इस ऐसी स्थिति में खंडर होने की स्थिति में होता, इसमें पानी भरा रहता और ऐसी दो तीन है पंचायत घर जो क्षेत्र विधायक हैं, सांसद जी हैं या विकास प्राधिकरण, कोई भी सुनने वाला ना, सब वैसे ढकोसलेबाजी करते घूमे। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। शमशान की हमारे गांव की स्थिति है, अगर यदि दो स्थिति ऐसी बन जाए, दो डेड बॉडी की जरूरत पड़े दो व्यक्ति की जलाने की, तो कोई मतलब व्यवस्था ही ना, कोरे मतलब जो है जल सौंदर्यकरण के लिए काफी एप्लीकेशन पहले लगा चुके लेकिन कोई सुनने वाला ना, कहीं प्राधिकरण कोई कार्य नहीं कर रहे। ये जो प्रतिनिधि है कुछ ना दिखा मात्रा और कुछ ना कर रहे कोई काम, और ये जो है इसका मोखो देखो ना ऊपर, तो इसमें पानी भरा हुआ अब भी। गाँव हर समय सहयोग देने के लिए तैयार है, और प्राधिकरण दोबारा 6 साल पहले इसका निर्माण किया, उसके बाद में से कोई देखने मिला है कम्प्लीट कर दिया, और जर्जर होकर बिजली की स्थिति में यहाँ हमारे गांव में जो भी कवारियाँ आते हैं सिंह मंदिर के सामने भी होते हैं, यही हाल हमारे उस पर चालू होती है, वही हमारे शमशान घाट की है। वहाँ हमारी जो स्थिति, यदि रात में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, दो पेशेंट को देखें कहीं ऐसे बुजुर्ग, तो वहाँ हमारी कोई क्रिया करने की व्यवस्था भी नहीं, और जो पानी भरा रहता चार तरफ पेदम सुख, क्योंकि कोई लाइट वो नहीं है, और उसका सौंदर्य करने के लिए कई बार एप्लीकेशन दे दिए, कई बार प्राधिकरण में हम से बात करते लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, और अब ये सारी व्यवस्था जो है वहाँ भी ऐसी व्यवस्था है, कभी कुछ नहीं, रात में दिन में कभी भी हम रुके और लोते हैं वहाँ। फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द न्यूज अराउंड यू, कीप वॉचिंग फेस टॉक यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू द लेटेस्ट न्यूज एंड प्रेस द। बताइए शमशान घाट की जगह इसके विषय में क्या कहना है, जैसा बताएंगे इसकी सबसे बड़ी तो गंदगी सबसे ज्यादा है, कोई भी चीज है देखो हालत क्या हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, बदबू आती है, निकला नहीं जाता है। प्राधिकरण के अंदर ये गांव आते हैं जैसा बताया, प्राधिकरण कर रहा कुछ भी हो, प्राधिकरण ने नॉर्म कर लिया, बीच छीन के खड़े। मुझे बताइए, और हम शमशान भूमि में खड़े हैं, इसके विषय पूरी बताइए स्थिति जो है इसके विषय। मेरा नाम इंजीनियर दीप सिंह भाटी, गाँव पाली, ये हमारे यहाँ शमशान है, तो इसमें तालाब है उसमें पानी भरा हुआ बहुत ज़्यादा, उससे बहुत सभी लोगों को बहुत परेशानी है, बीमारी फैलने का खतरा है। विधायक साहब कभी बोला उन्होंने अथॉरिटी इन्फॉर्म की है, परंतु अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि फोन किए हुए विधायक को 20 दिन हो चुके हैं और आज तक भी इसकी सफाई का कोई भी काम नहीं। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सफाई की जाए और तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए, ये गांव वालों की सभी की मांग। पानी नल नहीं है, पानी की नल नहीं है शमशान में, पानी का एक नल भी लगना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा अवसर आता है तो पानी की आवश्यकता होती है, तो नल अति आवश्यक है, नल भी लगनी चाहिए। तो ये हम आपके माध्यम से अथॉरिटी के अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि पाली गांव की बहुत ही उपेक्षा की जा रही है, पाली गांव में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, और जो भी हमारे तालाब है वो सारे बुरी तरह से गंदे पड़े हुए हैं,
उनके सौंदर्यकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार यहाँ के सौंदर्यकरण की बातचीत चल ली, कई बार एप्लीकेशन लग ली, वह मामला हाँ ही रह जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि कभी कभी क्या होता है गांव में देखा जाता है कि एक पक्ष जो है विकास की तरफ जाता है, नहीं तो हमारा पक्ष हो जाता है, कह देता है कि नहीं कुछ ऐसा कोई राजनीति, हमारे गांव में कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, कोई रोकने को कोई खड़ा नहीं होगा अगर अथॉरिटी काम करे। 12 लाख रुपए का इसका टेंडर भी होगा एक बार। अच्छा। टेंडर होने के बाद में उसको ईट गिर गई थी, दो ट्रॉली ईट गिर गई थी, ठेकेदार छोड़ के भाग गया अंगल थोड़ा, उसके लिए एप्लीकेशन भी थी। दोबारा आने के बाद में फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, नल के लिए भी बोल लगाया, नल नहीं लगी गई। तीनों पंचायत घर हमारी धर्मशाला मंदिर की सारी झज्जर हुई पड़ी है। 20 रुपये हम पे एप्लीकेशन भी है उनकी, रखी है वो आपको दिखा दी जाएंगी। ये देखा आपने पाली गांव की, जिससे कि ग्रेटर नोएडा में पाली गांव जो कि बिल्कुल पास माना जाता है सेक्टरों के, आज क्या स्थिति है इस गांव की। शमशान घाट को हमने देखा, वही एक बारात घर को देखा, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक शमशान घाट है, यहाँ पर किस तरह से आवारा पशु सुअर वगैरह चल रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की किस तरह से उन्होंने काम किया। पोल पूरी खुलती नजर आ रही है। इसी के साथ में भारत भूषण शर्मा।